आज की ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। यहाँ भी पेट्रोल पंप बंद है तो आगे की ओर चलते हैं। आज पेट्रोल नहीं मिल रहा, दो पेट्रोल पंप हमने देख लिए हैं, ठीक है तीसरा पेट्रोल पंप चलते हैं। आज आज हमारा ब्लॉक स्टार्ट हुआ। आज हम घूमेंगे आंगनी फायर क्षेत्र एरिया, तो काफ़ी दूर है यहाँ से, तो पहले हम लोग तेल ले लेते हैं। और यहाँ भी तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है लिखा हुआ है, तो आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पेट्रोल नहीं मिला हम लोग को, यानी कि चंद्रकांता पेट्रोल पंप और HP का पेट्रोल पंप जो दोनों जगह देख लिया हमने, तो यहाँ तेल नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ पेट्रोल बंद था, पेट्रोल है ही नहीं उसमें बोल रहा था। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 1.5 किलोमीटर आगे हमको जाना होगा भारत पेट्रोलियम, तो वहाँ पर हम लोग तेल लेंगे फिर निकलेंगे ब्लॉक के लिए। वहाँ पर दिखाएंगे आपको अग्नि फायर क्षेत्र एरिया कि जमीन के अंदर से धुआं कैसे निकलता है और वहाँ के लोग अपने घर द्वार छोड़ के आगे बाग की ओर कहाँ चले गए हैं, कुछ घर सारी चीज़ें दिखाएंगे कैसे रहते हैं वहाँ के लोग इसी वीडियो में। तो पहले हम लोग चल के तेल ले लेते हैं। हम लोग को पेट्रोल पंप दिख रहा, देखिए सामने एक मंदिर है जिसे हम लोग पार करने वाले हैं, माँ दुखहरनी मंदिर यहीं पर है, झरिया में स्थिर है माँ दुखहरनी मंदिर। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, बस पेट्रोल पंप पहुँच ही गए हैं, कुछ दूर बाकी हैं। तो पेट्रोल पंप पहुँच करके हम लोग तेल लेते हैं, तेल लेने के बाद हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा अग्नि फायर क्षेत्र एरिया में जाने के लिए। वहाँ पर काफ़ी चीज़ सारी चीज़ दिखाएंगे, ज़मीन कैसे फटता है ये सारी चीज़ हम इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो पहले हम लोग तेल ले लेते हैं, यह आ गया पेट्रोल पंप, अब हम लोग तेल भराएंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो हमारे टंकी में तेल डाला जा रहा है, ठीक है आप ऊपर मीटर भी देख सकते हैं, ऊपर मीटर दिखाइए यहाँ पे दिया गया है, देखिए मीटर तेल हमारा टंकी में डाला जा रहा है। तो टंकी में हमने तेल भरा लिया, तेल भरा के हम लोग आग की ओर निकलते हैं। आग की ओर निकलेंगे, हमारा ब्लॉक बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, अब हम पहुँचे अग्नि फायर क्षेत्र एरिया। तो पहले हम लोग पहुँचते हैं, एक हमारा फ्रेंड छोटा है मगर हमारा दोस्त है आकाश, उसके पास पहुँचते हैं, उसको लाने जा रहे हैं कि किस तरह से ज़मीन में तो फटा हुआ है, फिर भी हम लोग इसमें चल भी रहे हैं, अग्नि फायर क्षेत्र एरिया भी है। तो पहले हम चलते हैं आकाश को लेने, आकाश को लेने के बाद चलेंगे हम लोग उस एरिया में जहाँ पर धुआं निकलता है, ज़मीन के अंदर फट चुका है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। बहुत ही डेंजर और ख़राब रास्ता है ये बस्ती बस्ती घूमने का, तो आप देख सकते हैं, देखिए आगे बकरी है, अब पकड़ तो आपने देखा ही होगा। फिर आप लोग चलते हैं, अब पहुँच चुके हैं आकाश का घर और देखते हैं कि आकाश बाहर में है, ये फिर उसको आवाज़ देना पड़ता है। तो आकाश के घर पहुँचने के बाद उसको बुलाएंगे, बुलाने के बाद हम लोग निकलेंगे। देखिए अग्नि फायर क्षेत्र एरिया में ही हम लोग घूम रहे हैं, आ चुके हैं, तो पूरा ज़मीन के अंदर ही आग लगा हुआ, कोयला फटा हुआ है, मतलब अंदर कोयला है, कोयला निकाला हुआ, ज़मीन के अंदर आग लगा हुआ। देखिए आ गए हैं आकाश का दोस्त लोग हैं, और देखिए आकाश, अब उसको साथ में लेके जाएंगे, अभी कबड्डी खेल रहा है ये, सुबह सुबह कबड्डी खेल रहा है, अच्छी बात है, कम से कम खेलने से तंदुरुस्त रहता है। अब हम लोग आकाश को ले लिए हैं, चल रहे हैं अग्नि फायर क्षेत्र एरिया में, एरिया चल रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए जगह कितना ख़राब जगह है, जहाँ बाइक नहीं जा सकता है, किसी न किसी तरफ चल, दोनों साइड से खाई है, बीच में छोटा सा पुल बना कर रखा है। तो हम लोग इसको पार करते हुए बस ज़्यादा दूर नहीं हम लोग दिखाएंगे अग्नि फायर क्षेत्र एरिया की ज़मीन के अंदर से आग कैसे निकलता है, फट गया है कहाँ कहाँ, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। हमारी बाइक चल रही है और चलते चलते हम लोग भी पहुँच ही चुके हैं, उसी एरिया में हैं। और हम लोग रास्ता देखिए, रास्ता इस टाइप से रास्ता है, ऊंचा खाबड़ ना नीचे रास्ता है, और इसी टाइप से करते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे अब। लेकिन रास्ता कि बिल्कुल ख़राब रास्ता है इधर, क्योंकि अग्नि फायर क्षेत्र ये कोई ध्यान देता नहीं है, रोड का कोशिश कर लेता नहीं है, बस जो रोड बना हुआ पहले से वही बना हुआ है, इधर टेंडर भी ठिकाने निकलता है। तो अभी हम आ चुके हैं, देखिए पहुँच चुके हैं अग्नि फायर क्षेत्र, ये जहाँ से कुछ लोग अपने घर को छोड़कर पलायन हो चुके हैं, मतलब वहाँ से जा चुके हैं, अपने घर को छोड़कर वहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर आग निकलता है, आग
इस टाइप से दिख रहा, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं वो आपको, छोटे ये सारे लोग घर छोड़कर अपना जा चुके हैं, जितना घर है वो आपको दिख रहा छोटा छोटा। एक दो आदमी जा रहे थे लेटरिन जाने के लिए, एक आदमी बोतल लेकर के जा रहा उसी ओर, बताइए बेवकूफ। चलिए हम लोग पहुँच चुके अग्निफायर क्षेत्र। ये देखिए यहाँ पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ टाइप का बनाया गया है, यहाँ भर दिया गया है कि किस टाइप से ज़मीन के अंदर से फट करके ऊपर से धुआं निकल रहा है, अंदर गैस है यानी कि आग लगा हुआ है, अंदर कोयला में, कोयला में क्या, अंदर में कोयला में आग लगा हुआ है। और इस टाइप से देखिए फट सकता, अब पैर रखिएगा उसमें, हल्का सा पैर रखिएगा अंदर चल जाएगा, क्योंकि वो पूरा धंस सकता है कभी भी, कभी भी अंदर को पूरा कोयला जला हुआ तो ज़मीन का अंदर जो है पूरा खाली हो जाता है, खाली हो जाने के बाद कभी भी धंस सकता है। इसके अंदर तो भी सेल ने कभी कोयला निकाल चुका है, तो ये पूरा खोला ही है, जो बचा हुआ कोयला है उसमें भी आग लगा हुआ है। देखिए ज़मीन के अंदर से कितना तेज़ी से निकल रहा है, यहाँ इस एरिया मतलब एरिया में आसपास मतलब 5 फुट 10 फुट के एरिया में भी अगर जो पैर रखिएगा तो आपको गिरने की ज़्यादा चांसेस है कि आप अंदर चले जाइएगा। यहाँ पर पान देखिए पूरा पूरा यहाँ पर लिखा हुआ बीसीसीएल प्रबंधक होगा इसका जिम्मेदार, लोग ने लिखा है या फिर वही लिखा पता नहीं। ये सब घर छोड़ कर जा चुके हैं, बहुत अच्छे घर, थोड़ा थोड़ा मट्टी के वो सब घर छोड़ कर जा चुके हैं। हम लोग वहाँ से हर चीज़ देखने के बाद हम लोग निकलते हैं इधर जाके, रुकना वहाँ ठीक नहीं था क्योंकि एरिया है, ये एरिया अभी तो इधर निकल जाएगा, इसलिए ज़्यादातर हम लोग रुके नहीं, वही रोडवा है जो हम लोग आए थे ना पहले, निकल गए एक बार यहाँ पर कब से प्रयास कर रहा है। यहाँ पर टाटा ए सी है लेकिन अंदर आता है कभी भी कहीं भी दस लोग बिंदास आराम से जाते हैं। किसी तरह कल का सीन ले जाके वहाँ वहाँ पर पहुँच रहे हैं दोनों साइड से, देखिए कोयला निकालते हैं वहाँ पर भी लगा वीडियो बनाएगा तो गिरेज छोड़ दो बोलते हैं, पूजा भी करना गाड़ी पे, गाड़ी खराब है। ये हमारा घर पहुँच गया, वहाँ कोयला गाड़ी पार भी हो रही है, कंपनियों में जाते हैं शॉर्ट वाले वीडियो जो है थोड़ा सा ढंग से दिखाना है, सपोर्टिंग देख रहा है।